वेलकम बैक टू पांडा प्रोडक्शन। सबसे पहले तो उम्मीद करते हैं आप सब बिल्कुल खैर खैरे से होंगे। बेसिकली सीन कुछ यूँ है कि आज है संडे, पाकिस्तान इंडिया का मैच है सेकंड, तो प्लान ये है कि दोस्तों वगैरह के साथ मिलके आज का दिन ज़रा मेमोरेबल बनाएं, पाकिस्तान को चेयर अप करें और आपको भी दिखाएं कि हम क्या शुगल करते हैं क्या नहीं। उससे पहले बहुत सारी चीज़ें करने वाली हैं, तो मैं सुबह उठ गया हूँ टाइम से और मैं चाह रहा हूँ कि इससे पहले कि शाम को सारे आ जाएं या उससे पहले सारे आ जाएं तो घर की साफ़ सफाई कर लेते हैं थोड़ी सी, क्योंकि घर वाले हैं नहीं। और आपको दिखाता हूँ कि जब घर वाले नहीं होते तो घर का हाल क्या होता है। ये थोड़ा सा सामान जो है फ्लड रिलीफ के लिए एक्टिविटी हमने स्टार्ट की थी दोस्तों वगैरह मिलकर, अल्हम्दुलिल्लाह से सारे कर रहे हैं पाकिस्तान में इस तरह के काम। आप लोग जो भी देख रहे होंगे आप लोग भी पार्टिसिपेट कर रहे होंगे इसमें। तो छोटा सा मैसेज साथ ये है कि इस मुश्किल वक्त में हम सारों को एक दूसरे का साथ देना है और कोशिश करनी है कि जितना ज़्यादा इंडिविजुअल लेवल पर राइट नाउ हम सपोर्ट कर सकते हैं किसी भी बिहाव पे, दुआ कर सकते हैं उनके लिए, हम कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, हम चीज़ें उन तक पहुंचा सकते हैं, वट एवर आप जो काम भी करना चाहते हैं अपने बिहाफ पे कर सकते हैं। सो ये काम मैं ज़रा दूसरे कमरे में सारे कपड़े वगैरह बाकी सामान वगैरह रखवा लेता हूं, तब तक खुद ही करना पड़ेगा जाहिर सी बात है। और उसके बाद इंशाल्लाह जैसे दोस्त वगैरह आते हैं फिर प्लान करते हैं इंशाल्लाह। बैड सीन ये है कि यार ये बड़े बड़ा जो बैग्स वगैरह बनाए हुए हैं ये मेरे से उठाए नहीं जाएंगे, तो मैं ये प्लान कर रहा हूँ कि किसी एक आदमी को बुला के उसकी हेल्प लें या दो बुला लेते हैं, वो काम कराएंगे, हम बैठ के इंजॉय करेंगे, थोड़ा सा इनको देखेंगे। खैर देखने क्या सीन है, फिलहाल नाश्ता वगैरह कर लिया है और कंप्यूटर को भी बंद करते हैं अभी, अब बाहर निकलते हैं थोड़ी और चीज़ें करने वाली हैं और फिर यहाँ पर बैठ के आज हमने देखना है मैच, इंशाल्लाह पाकिस्तान जीतेगा। एक दोस्त तो जनाब आ गया, काम शाम करने जा रहे हैं, देखते हैं। हेलो हमजा, ठीक ठाक हैं आप? मैंने कहा आज हम आपको ऐसे काबू करें, चलें फिर। चलो यार, बाहर वाले मामला सारे कंप्लीट हो गए शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अब सीन ये है कि अब सफाई सफाई की तरफ चलते हैं। कुछ नहीं था तो फैजन अकेले ही आपके भाई ने सारा कुछ साफ सफाई किया। बहुत कम ऐसे लम्हात होते हैं ज़िंदगी में जब मुझे इस तरह की मोटिवेशन आती है। खैर अब प्लान ये है कि मौला जट बने आज हम, मौला जट से मुझे याद आ गया, मौला जट मूवी आ रही है, एक्सपेक्टेशन बहुत हाई है उससे और जब आएगी तो उसका रिव्यू भी आपको दिखाएंगे। फिलहाल दोस्तों का इंतज़ार है, आते हैं तो फिर पार्टी सीन लगाते हैं, इस छोटी सी स्क्रीन पर बड़ा शुगर लगाएंगे। बाकी सारे लड़के आ रहे हैं, मुबशर साहब हमारे पास पहुँच चुके हैं और इसी खुशी में हमने टास्क भी जीत लिया, तो ये बड़ी अच्छी गुड न्यूज़ है आज की। टास्क भी जीता है, मैच भी जीतेंगे इंशाल्लाह। दादे हमारे ने टास्क जीत लिया है और ये फिर गेम होने लगी है शुरू। हाँ भी मुबशर, इंशाल्लाह। इस बंदे का मैं इंतजार कर रहा था सुबह से, अब फिल्म साहब बड़ा लेट आया, सारा काम मैंने खुद किया आज, इसका हिसाब करते हैं। मैच हो गया स्टार्ट, प्रेडिक्शन हो रही है। काशिफ क्या कह रहे हो? इंशाल्लाह जीतेंगे भाई। ये मिला भाई, अभी कह रहा था हारेंगे और कैमरा देके कह रहा जीतेगा पाकिस्तान ना। ये मैंने शर्ट पहनी हुई है ग्रीन, आपने ब्लू पहनी हुई है, डार्क ब्लू। भाई यार ये स्कीम है, हम जिसको सपोर्ट करते हैं वो हारती है, आज हम इंडिया को सपोर्ट कर रहे हैं, समझ रहे हो ना? हाँ भी काशिफ पहले ओवर में आउट होगा। काशिफ भाईजान पहले ओवर में एक आउट कर दो आउट, दो आउट। मैं कहता हूँ एक भी हो जाए ना भाई, क्यों एक हो, आप मिले हो क्या इंडिया से, क्या हो गया भाई आप? यार ये कपड़ों पे मत जा रहा, मैं समझ रहे हो ना आप, बस ठीक है ठीक है। दो आउट हो गए यार, बस अपना शहजादा एक आउट कर ले यार, दो दो कह रहे वो पांच आउट करे लेकिन पहले ओवर में एक जरूर करे। चलो यार लग रहे हो सही, चलो देखते हैं। भाईजान भाईजान तैयारी पूरी है, तैयारी पूरी है, 14 अगस्त से लोगों को कह रहे थे ये दुनिया चांद पे पहुंच गई, हम वही पे पहुंच। आज जे मोहल्ले वाले ने कोई कंप्लेन की थी ना उसके पीछे आ बंदा वा, चल चल ये देख, ओ कैच कैच कैच, कोई छक्का 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 छक्का, कोई नहीं कोई नहीं। चल
ਛੱਡ ਮੈਨੂੰ ਦਵੰਡੀ ਵਾਲੀ ਆ ਪਾਪਾ ਨੇ ਬਜਰ ਆਪਣਾ ਜਿੱਤੇਂਗੇ ਲੇਕਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਓਵਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਰਹੇ ਤੇ ਭਾਈ ਖੈਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ ਇੱਕ ਓਵਰ ਸਿੰਗਲ ਔਰ ਇਸਕੇ ਸਾਥ ਮੂੰਹ ਲਟਕ ਕੇ ਗਏ ਦੁਬਾਰਾ ਤੇ ਜ਼ੂਮ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਈਏ ਇਹਦਾ ਮੂੰਹ ਯਾਰ ਜੀ ਜੀ ਭਾਈ ਸਬਰ ਪਾਪਾ ਤੇ ਵਜਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੀਰੀਜ਼ ਹੈ ਯਾਰ ਮੁਬਸ਼ਰ ਇਹ ਵਜਾ ਕੇ ਤੂੰ ਦਿਖਾ ਇਹਦੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਾਡੇ ਵਰਗੀ ਹੋਈ ਪਈ ਆ ਕਾਸ਼ਿਫ ਕਾਸ਼ਿਫ ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਬਿਤ ਕੀਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਚ ਫੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਯਾਰ ਟੀਮ ਵਰਗ ਨਾ ਇਹ ਦੂਸਰੇ ਨੇ ਪਕੜਾ ਹਾਂ ਵਿਨੋਰ ਸਹੀ ਹੈ ਸਹੀ ਹੈ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਯਾਰ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਗੇਮ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹਮੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਭਾਈ ਪਹਿਲਾਂ ਆਊਟ ਕਰ ਲਿਆ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਦੇ ਅਭੀ ਗੇਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੈ ਕੁਛ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ 10 minutes later ਨਾਲ ਕਰ ਦਿਆ ਯਾਰ ਮਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ ਯਾਰ ਮਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ ਗੇਮ ਮੇ ਵਾਪਸ ਕਾਜੀ ਮਜ਼ਾ ਆ ਰਹਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਆਊਟ ਹੋ ਰਹਾ ਹੈ ਜਜ਼ਾਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਖੁਸ਼ ਹੋਣੇ ਕਾ ਹਮੇ ਇਹ ਦੇਖੇ ਇਹ ਦੇਖੇ ਹਮਾਰੇ ਪਾਪਾ ਨਿਕਲ ਆਏ ਔਰ ਜਿਸਸੇ ਡਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਥਾ ਇੱਕ ਤੋਂ ਗਿਆ ਵੋ ਬਾਕੀ ਦੋ ਹੋਰ ਦੋ ਦੋ ਕਰਕੇ 8 ਤੱਕ ਇਨਕੀ ਬੈਟਿੰਗ ਹੈ ਹਮ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਲੇਕਿਨ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਗੇਮ ਮੇ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਯਾਰ ਬੜੇ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਆ ਕੇ ਐਨਰਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਪਸ ਆਈ ਹੈ ਅਬ ਜ਼ਰਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰਾ ਮਜ਼ਾ ਆਏਗਾ 5 ਆਊਟ ਹੋ ਗਏ ਹੈ ਸਕੋਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੇਕਿਨ ਦੇਖਦਾ ਲੱਗ ਹੈ ਇਹ ਦੇਖੇ ਫਿਰ ਹੈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਸਮਾਨ ਮੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਤੇਰੇ ਉੱਪਰ ਔਰ ਫਿਰ ਕੇਬਲ ਬੰਦ ਚੱਲ ਯਾਰ ਮੋਬਾਈਲ ਪਰ ਲਗਾ ਲੈ ਬਸ ਭਾਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੋ ਕੁੱਟ ਪੜਦੀ ਦੇਖੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਹਮੇ ਦੂਸਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੋਬਾਈਲ ਪੇ ਲਗੇ ਹੋਏ ਥੇ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਆ ਗਈ ਵਾਪਿਸ ਕੇਬਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੋਸਤ ਆ ਗਿਆ ਉਸਕੋ ਵੀ ਲੈ ਆਤੇ ਸਾਥ ਇਹ ਜੀ ਅੱਜ ਮੈਚ ਆ ਰਹੇ ਨਾ ਫਗਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤੇ ਐਸੀ ਦੀ ਤੈਸੀ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਮੈਚ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰ ਕਰਦਾ ਅਸੀਂ ਇੱਡੀ ਦੂਰੋਂ ਬੰਦੇ ਬੁਲਵਾਏ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਸਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨਗੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਬੈਠੇ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਵੇਖੋ ਸਾਡੇ ਮੈਚ ਦੀ ਬੇੜਾ ਗਰ ਕਰਦਾ ਫਗਰ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਮਜ਼ਾ ਤੇ ਹੁਣ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾ ਬਸ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਹੀ ਕਰੇ ਆਸਮ ਦੀ ਵਾਰੀ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਆਣੀ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਆਣੀ ਆਸਮ ਦੀ ਵਾਰੀ ਮਾਰ ਡਿਪਟੀ ਚੌਕਾ ਮਾਰ ਡਿਪਟੀ ਐਵਰੇਜ ਹੋਈ ਪਈ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਖਰਾਬ ਦੋ ਛੱਕੇ ਆਸਮ ਦੇ ਤੇ ਦੋ ਹੀ ਛੱਕੇ ਆਪਣੇ ਦੂਜੇ ਪਲੇਅਰ ਦੇ ਆ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ ਤੇਰੇ ਆਸਮ ਨੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕਿਧਰ ਤੈਨੂੰ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਸੀ ਤੂੰ ਸਿੱਧਾ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਬੋਲਾ ਤੂੰ ਪਹਿਲੇ ਕਿਆ ਬੋਲਾ ਚੱਲ ਬਸ ਤੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾ ਹੁਣ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਆਸਾ ਕੁਛ ਖੇਲ ਲਵੇ ਆਇਆ ਮੇਰੀ ਸੋਡੋ ਆਇਆ ਜੋ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜੋ ਨਹੀਂ
और फिर हम फाइनली पाकिस्तान वर्सेस इंडिया वाला मैच जीत गए। तेरे आसान ने थोड़ी चीज अगर आग ली हो यकीन कर, मजा आ गया एक आज के मैच का। गर्मी ना बुरा हाल होते भी तो इतने भी फाइनली सीन ये है कि भाई सारे दिन की मेहनत और कहते हैं एंड पैसा वसूल आला साहब, और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है मैच जीत गए जैसे भी जीते हैं। और सीन ये है कि उम्मीद है कि फाइनल में दोबारा हमें कोई ट्विस्ट मिलेगा और मज़ा आएगा। एक्सपेक्टेड है कि इंडिया अगर हमारे सामने फिर आता है तो ये सारे का सारा शुक्र इंशाल्लाह दोबारा फिर होगा। तब तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़, और मिलते हैं इंशाल्लाह। दुआ में याद रखना, जज़ाकअल्लाह खैर, अल्लाह निगहबान।